हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काली गाजर की कांजी की रेसिपी। सर्दियों में गाजरें आती हैं, ये काली वाली, और कांजी हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी होता है। ये देखिए, काली गाजरें आती हैं जिसको मैंने ऊपर से हल्का हल्का छील लिया है ताकि उसकी मिट्टी वगैरह निकले, अच्छी तरह धो के और इसे काट लिया पतला पतला। ये पानी फिल्टर्ड पानी है, पानी को उबाल के ठंडा करके भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम ये अपनी ये कटी हुई गाजरें डाल देंगे। सर्दी का टाइम है तो हम ये इसके ग्लास जार में बना रहे हैं। जब गर्मियों में कांजी बनाते हैं तो मटके में भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमने गाजर डाल दिए, तीन गाजरें थी मेरे पास। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच भर के पिसी हुई राई के, आधा चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर काला नमक, और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सादा नमक। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। इसका कलर अभी देखिए, फिर जब कांजी बन के तैयार हो जाएगी फिर देखिएगा इसका कलर। 3-4 दिन तक हम इसको डेली धूप दिखा देंगे और इसको 3-4 बार हिला भी देंगे दिन के अंदर। 3-4 दिन के बाद हमारी कांजी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, कांजी को डाले हुए 4-5 दिन हो गए हैं। 4-5 घंटे के लिए मैं इसको रोज़ धूप में रख देती थी। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है और बहुत ही बढ़िया फर्मेंट हो गई है हमारी कांजी। देखिए कितना बढ़िया इसका रेड कलर आ गया है। गाजरे भी हमारी खट्टी हो गई हैं। फर्मेंटेड ड्रिंक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे पाचन के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। और सर्दियों में हम लोग पानी नहीं पीते हैं ज़्यादा, तो इस तरह से आप अगर पियेंगे तो आप 2-3 गिलास आराम से पी लेंगे और बहुत ही हेल्दी होती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरह से छान लें आप इसको, साथ में इसके लें गाजरें, और इनकी गाजरों को भी फेंके मत, जिसमें हम जिसकी हमने कांजी डाली है इसको भी साथ में खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है, खट्टी हो जाती है ये भी साथ में। ये जी बढ़िया सी हमारी न्यूट्रिशियस हेल्दी ड्रिंक बन के तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, खुश रहिए।